कुर्सी कहाँ बा? बोलिए महाराज। क्यों सुना सुना लग रहा है? सुना लग रहा है महाराज, क्या किया जाए? देख करो। अच्छा महाराज, ये दरबार क्यों सुना सुना सा लग रहा है? हाँ महाराज, सुना लागत बा। कोई अच्छे दिन नाटक पेश करो। हाँ हाँ, वे लड़की ले जाए भाई, लड़की सुनिए। हेलो, ऐसा गाना सुनाओ, ऐसा गाना सुनाओ कि मेरे महाराज गल के गोबर हो जाए। पानी मिला और झूमेंगे और झूमेंगे, गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे।
तुम्हें हमको पिलाओ, तुम्हें हमको पिलाओ, थोड़ा बेली खा के पिएंगे, भैया। अरे नद
जी गाड़े नकिया का नाम बात कर रहे हैं। अच्छा हां तो नाम से भाई है ना बदला ले ले चलो बुआ सुना दिखावा काट काट फेंक अब हम दोनों जने के तुखा भी बतावा आपकी नाक कान कौन काटा है भैया तू तो कच्चा जबा जब भैया हमारे बहुत दर्द होता भैया कच्चा चुबो जो तैयार हो जाओ हम जाए भैया मेरे बहुत दर्द होता है भैया जा दवाई वाई ले तू जा खाए खा जा अब ले लोग का हम लोग कैसे काटिक देखा तू चली जा सीधे आदर दीजिए महाराज ठीक है जैसे आज्ञा भाई महाराज आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए पहले हम लोग लड़ने दो हम लोग छोड़ेंगे नहीं मेरी बात सुनिए आप ये क्या कह रहे हिम्मत लाभ हमारे
आज्ञा दो महाराज, इनको मैं तमाशा दिखा के रहूंगा। छोटे हैं लेकिन बहुत खोटे हैं भाई। दूसर अब तो आपकी पारी है। वनवासी बालक मेरी बात को ध्यान सुनो। कहिए क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं तुम लंका में आए हो इसलिए अपना रास्ता बना के निकल जाओ यहाँ से। बेकार की बातें मत करो, युद्ध करो। युद्ध करने की बात अलग है लेकिन आप जिस समय खड़े हो यहाँ, ये लंका पति रावण की जन्मभूमि है। हम भी तो कह रहे हैं बेकार की बातें मत करो, युद्ध करो। तैयार हो जाओ। अरे मोरे बिरना हो, अरे मोरे बिरना, नकियाउ कनवाउ कट गैलेस मोरे बिरना। अरे भैया हो, अरे मोरे बिरना हो, अरे मोरे बिर। हृदय बहुत विचलित हो रहा है। महाराज क्या कारण है? ऐसा तो कभी नहीं होता था। पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लंका में कुछ अनहोनी होने वाली है। अरे महाराज
आपके यहाँ स्वयं लक्ष्मी झाड़ू लगाती है। द्वारपाल, आप यहाँ स्वयं लक्ष्मी झाड़ू लगाती और आपके दरबार में हम और कुबेर पानी भरते हैं महाराज। आप विचलित हो रहे हैं महाराज। हाँ, बता रहे हैं क्यों, मेरा हृदय आज बहुत विचलित हो रहा है। नहीं होने देंगे महाराज, इधर आओ, जाओ, कोई अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो पहले। कहिए महाराज। जाओ और राज दरबार से वो अप्सरा लाओ जिसे मैं इंद्र लोक से जीत के लाया था। और सुनो मेरी बात, और इंद्र से जो मदिरा जीत के लाया था उसको भी साथ में ले आना। वो भी आएगा महाराज। क्या होते सीख लो, लेके आइए। देखिए भाई, ये सिद्धू यादव जो कि रावण के काम पर 50 रुपए दिए हैं, उन भाई साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता। देखते रहिए, आप लोग देखते रहिए, शांति रहिए थोड़ा। कैसन दारू है राज भरावन था तो वही इंद्र के हाथ से। हाँ, ये शराब नहीं है, मदिरा है। महाराज सुरा है, सुरा। चलो पिलाओ मुझे इसे।
महाराज पियावा अच्छा हाँ हाँ अच्छा ना गोपला उड़ा हो जाए दोपाल अरे मास्टर जी कहने का है ये काम करना ये राजा हर काम करना काम करना ये छला हर काम करना तू तो पिया ताड़ा बीस कियर हो तू तो पिया ताड़ा बीस कियर पियर का तानी काम करना तू तो तू तो पिया ताड़ा बीस किया पियर का ताने काम करना तू तो पिया ताड़ा बीस ड्यूटी पछुआ बयार मोर बिगाड़ जय हो बा भैया बा ऐसे अच्छा लगा जाते ऐसे हट जाए आगे अल्लाह जी की है यार की यादव जी और आगे साथ में निनका यादव उनकी तरह से 21-21 रुपए का पुरस्कार है नाश्ते करती हूँ तू तो लुधियाना में तू करता ड्यूटी पछुआ बयार मर बीगा हाँ भाइयों देखिए ये अमरनाथ का गिफ्ट है जो कि डॉक्टर साहब धर्मापालिक क्लिनिक जो अमरनाथ को काम पर खुश होकर दिए हैं मैं उन बड़े भाई को चरण स्पर्श करता हूँ पछुआ बयार मोर बिगाड़ देला ब्यूटी वाह भैया वाह दोपाल ए काम करना ये राजा काम करना ये छला काम करना तू तो पिया ताड़ बीस कियर तू तो पिया ताड़ बीस कियर पियर का तानी काम करना तू तो पिया ताड़ की
रुपए 100 रुपए राम खियाल यादव जी और 100 रुपए शैलेश यादव जी रावण के। ये गाना अच्छा ना है? बहुत अच्छा? बढ़िया गाना गावा हे, लेकिन कहना क्या है मास्टर जी? हर देख के मेरा खिलता हुस्न सबा, हर बंदी बहुत अली सहरा जामिया को सिया से पिलाऊंगी मैं, तुम भी नूरी हूँ मैं, नशे में चूरी हूँ मैं, आशिकों की गली में बड़ी मशहूर हूँ मैं, प्यार का नूरी हूँ मैं, ये आगे तारा सितारा उनकी तरफ से 10-10 रुपए का पुरस्कार है, नमस्ते करती हूँ। प्यार का नूरी हूँ मैं, नशे में चूरी हूँ मैं, आशिकों की गली में बड़ी मशहूर हूँ मैं, प्यार का नूर हूँ मैं। हेलो, ये आगे तारा सितारा दोनों भाइयों की तरफ से 10-10 रुपए का पुरस्कार। अरे मोरे बिरना हो, अरे मोरे बिरना, नकियों कनवों कट गए मोरे बिरना, कट गैल मोर बिरना। यू शट अप कारण कहां का चबाऊ है? अरे अखिया बच्चा सुन हो ये कौन है इनका जब नाक का चबे हमार अखिया चली जाए चले जाए और कहां जा रहा हूं कौन विलाप कर रहा है? क्यों इस तरह विलाप कर रही हो?
साहस जिसने त्रिलोक विजयी लंकेश्वर रावण की भगिना के साथ को कृत्य किया है। बताओ स्वप्न के अति शीघ्र बताओ बताओ। अरे कहाँ कर रही कर रहा हूँ? कह रही मैं पंचवटी घूमने गई थी। अरे उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर? अरे तुझे नज़र कहाँ रहा है? और नकिया कटवा काट में। चुप रहो सुपनखे, तुम्हारा इस तरह कायरता पूर्ण विलाप करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। बताओ किसने किया तुम्हारे साथ ये काम? कौन बहुत सुंदर रही? कितना सुंदर रहे? अरे का करे चली कर तारपाल, बताओ सूपनखे किसने तुम्हारे साथ यह कुकृत्य किया? उनकी भी मैं नाक नहीं रहने दूंगा। भेजो नथुनों की राह नहीं, मेरी चाकन ना सुने दूंगा। एकदम सही महाराज, बहुत सही कहा था ना। और सुनो मेरी बात को, सोप न करो नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर शस्त्र उठाने में होती है ठाक नहीं ऊंची। और सुनो मेरी बात को, सुन गए मैं चला नाक के सीधा भी नाक पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। क्या हुआ ही चाहिए और बल्कि लग के तो नाक छेद उसमें नकेल डलवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखलाकर बस लाखों चने चबा दूंगा। बहुत सही महाराज। और सुनो मेरी बात को सुन के, क्या डरा थाम पाताल नाक, मेरे पिनाक ने जीते हैं पैसे मेरे बाघ और बकरी जल एक खाट पर पीते हैं। और सुनो मेरी बात को सुन के, यह समाज चार या दुराचार क्या खर दूसर से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा था उन कुल भूसर से नहीं कहा। अरे क्या तुम खर दूसर के पास नहीं गई थी? क्या बात कर रही हो तुम? मार भी रहना। अभी वध कर दिया उन्होंने। अरे ना देखा। बहुत खराब भाव है। सुनो सुबह के, जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। वह अपना परिचय देने को दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस राय के कारण मिलनी है पिछड़े ऋण से अब मुक्ति मुझे। बहुत सही कह रहे हैं आप।
निश्चय ही वे अवतारी हैं, तो बार भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके हाथों ही तोड़ूंगा। बहुत सही महाराज। यह मौत नहीं यह मोक्ष है, लड़ना नहीं मिलन है यह। पर पूरी आशा बार बार वह भी हो सर भी उनका हो तो भाव सागर तरना है यह। बहुत सही महाराज, बहुत सही। कौन सुप नके मेरे बड़ी दर्द होता। अरे जब कटे अब दर्द हो भाई करे, दवाई ना ले रहा हूँ। वे काटे नाक कांतरी तो चिंता रहे जमाने में, तो टीटे बीस भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठा में। अब तो बदला ले ले बाबू। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला उनसे अभी चुकाता हूँ। मार काट काट के फेंक दो, जन को छोड़ना नहीं। चिंता मत करो सूप ने गए, मैं भी जा रहा हूँ। तुम्हारे इस कुकृत का बदला उन तपस्वियों से लेकर आता हूँ। आपस सुई दवाई ले लो, ठीक रहा हम लोग जा से मार के आए। अब तो हो ही जोन हो रहा, अब जा दवाई वे करा। तुम जाओ, तुम दरबार में जाओ। अब मैं चलता हूँ मामा मारिच के पास, और सीता को हरने के लिए उससे कुछ माया करने के लिए कहता हूँ। चलिए महाराज। मामा मारिच सुनो मेरी बात। कहिए लंकेश, मेरी बात सुनो। आज मैं तुमसे कुछ सहायता के लिए आया हूँ। संकट में संग हो प्यारों के, यही प्यारों का कर्म, यही न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजा जनों का धर्म यही। तो तपसी लड़कों ने बन में वह करनी बेहुदा की है, खर दूसर त्रिसड़ा मारे हैं, नकटी सी सुपड़ खाकी है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। इस नाक काटने का बदला अब उनकी भार्या हर लेना है। सुनो मेरी बात को, मैं क्या सहायता चाहता हूं तुमसे। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मेरी बात को सुन रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह विश्व
चढ़ू तो समझाता है। मेरी बात सुनो, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। सुनो रावण मेरी बात, परवंश क्या है, परवशता है, सभी भात मौत ही आई है, किसी और गिरू तो साथ। महाराज चले आप, हमें नहीं लिया है, ठीक है। रावण के हाथ से मरे, राम के हाथ से मरे तो स्वर्ग में पहुंच गया एकदम मृगछाला पहन के। हाँ तो मृग बन जाना और तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जाओ। एक बोल Thank you.
पीछे हो जाते हैं। इंसान है कम से कम इंसान को बढ़ जाता है कहना पाछे वाले तो हर लोग बैठ जा बैठ जा बैठ जा जबल की बैठ जा सुनिए प्राणनाथ मैं आपसे कुछ कहना हाँ कहिए सीते मृग ऐसा तो देखन सुना जैसा ये बड़ चलो ना है देखो तो सर से पाव तल सारा ही सोना है हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का सिंगार होगी सोने की मृग की मृग चाल क्या अद्भुत यादगार ठीक है सीते मैं जा रहा हूँ और मृग को मार कर लाऊंगा लक्ष्मण तुम सीता का ख्याल रखना सीता का काम कर रहा है अगर उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं तो आप लोग क्षमा करिएगा माता मेरी बात सुनिए ओ लक्ष्मण माता रखिए धीर और दुख कहां जब दुख के नाशक हैं रघुवीर किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा और सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा मेरी बात सुनो माता ओ लक्ष्मण मेरा इस समय धर्म यह है निज रहूं आपकी रक्षा पर और सर्वस्व न्योछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल भाई चारों ओर घनेरा है माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं कर्तव्य नहीं यह मेरा है लक्ष्मण
लक्ष्मण मेरी बात सुनो। कहिए माता। अब मैंने जान लिया है मतलब का भाईचारा है, इन धरते पर को जाए इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा। और सुनो लक्ष्मण। कहिए माता। सत्य है यह प्रपंचियों में रहकर दुख पाता नहीं कहीं कोई है, भाई का जग में मित्र नहीं, भाई का कोई सत्य। और सुनो लक्ष्मण। कहिए माता। मेरी तुम चिंता न करो, रक्षक है सर्वव्यापक मेरे, तुम जाओ कहीं चले जाओ जिस जगह आ गए। और सुनो लक्ष्मण। ये माता। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती जाओ सुख देने पर। ठीक है माता, अगर आप कहती हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बात सुनिए मेरी माता। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गलो गवाह तुम्हें मेरी इस धर्म नाव के, अब हे सूर्य देव मल्ला तुम्हें। और सुनो माता। आज्ञा पालन करता हूँ बस इतना है संतोष मुझे, और रघुराई अगर उलहना दे तुम कह देना इंद्र दोष मुझे। मैं जाता हूँ माता, आप मेरी बात सुनिए। जाता हूँ माँ, अब तुम सावधान होकर रहना, और आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना, और इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा है आन उसे यह लक्ष्मण की, वह वही भस्म हो जाएगा। अपनी सीता माता को तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना बंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। ठीक है माता, हमें आज्ञा दीजिए, हम जा रहे हैं। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, मेरी माता का ध्यान रखना। ठीक है माता, मैं चलता हूँ। दोस्तों ये देखिए, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबार रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूधो नहा पूतो फले,
भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, हे माई अटिल सुहागिन हो। हे देवी, ये बाबा कई दिनों से भूखा है, इसे खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। लो जोगी बाबा लो बिच्छा, लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर है वो देती हूँ, लो बिच्छा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आए स्वीकार से कुशल सही स्वामी को कोई। दो माता, लगता है लक्ष्मण ने और राम ने कोई माया कर रखी है यहां पर। रेखा से बाहर आम आई, जोगी इस तरह लेते नहीं, बधी हुई भिक्षा माई। ए देवी, इस रेखा से बाहर आके भिक्षा दो, तब मैं तुम्हारी भिक्षा स्वीकार करूंगा। क्षमा करिए, रेखा या छूट नहीं सकती, या आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। अब मैं रेखा के बाहर जा रही हूं, देवर का आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, सीता हो जाओ सावधान, अब तो रेखा में हूँ। अब तू रावण के पंजे में है सीते, तुझे कोई बचा नहीं सकता, त्रिलोक विजयी लंकेश्वर रावण के कब्जे में है तू, अब तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आके ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दाई की पतुए की संख्या करती है झोली भिकमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीच पतंगों की। चलो
मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हारी रक्षा करता है। कौन है तू? कौन है जो रावण का मार्ग रोक रहा है? मैं माता का रक्षक जटायु हूँ। कौन जटायु? मैं केतराज जटायु हूँ। केतराज जटायु, रावण के सामने तू कितनी देर टिकेगा? सीता माँ को तुम नहीं ले जा सकते। हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा मैं मौत मारा जाएगा। मुझे लगता है अब तेरा काम तमाम करना ही पड़ेगा। चल आ जा। हमारी सील कहां तक जा रही है? सभी लोग आइए, शांति का सहयोग दें। बैठिए, सीन है, शांति का परिचय बनाएं। शांत से होकर बैठ जाइए, सभी लोग एकदम शांति के परिचय बनाएं। भैया लोग बैठ जाए थोड़ी देर, और देखना उसके बाद जा जाए फिर। हाँ भैया बैठ जाए, शांत रहिए, शांत अभी आ रहे हैं। आज दोबारा बैठे आश्रम में अकेली सीता को क्यों छोड़ चले? सुनिए भैया। हाँ कहिए लक्ष्मण। आप ही की तो आवाज थी, आप ही मेरा नाम लेके पुकार रहे थे। सुनो भैया मेरी बात। हाँ कहिए लक्ष्मण। सुनकर सिरमुख की पुकार चौकी, फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। और सुनो भैया।
इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है और उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपका कारण है। मेरी बात सुनो लक्ष्मण। कहिए भैया। इस सब से मैं भी हुआ हकाल। जी भैया। बाण मार कर जिस समय पहुंचा मृग के पास, सुनो लक्ष्मण मेरी बात। कहो भैया। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी आवाज उसे की थी, मेरे सर में मरते मरते भी लक्ष्मण। चलो शीघ्र पहले आश्रम पर। ठीक है भैया। भैया देखा कहीं खुशी धुन कहीं मैं भी देख रहा हूँ भैया, माता तो नहीं है। चलो पहले खोजा जाए। ठीक है भैया। सीते भाभी। एक खग मृग समर बिंद तूने न देखी सीख गए कुछ बतला दे सीखने को तो बिना। बताओ तो कहाँ देखी राजा सिंघनी को, सिंहो गरजो के बिना सुरे देखा मछली सिंह। हे प्रकृति ठीक है भैया। चलो वासी अगर मैं हेलो। हाँ ग्रामवासी, ग्रामवासी जरा ध्यान दें, कृपया अपने अस्थाई स्थान पर बैठने का कष्ट करें। दिखाई दे रही है लक्ष्मण। हाय राम, हाय राम, हाय राम। भैया लक्ष्मण आपके नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। लक्ष्मण हमें भी सुनाई पड़ रहा है, चलो देखते हैं। जरा देखिए कौन है। राम हाय, पक्षीराज आप कौन हो? इन आँखों में विशालता है,
है कौन इन्हें कंधे रख मुझे मरने को संभालता है। कोई भी होता कहता हूँ हट जाओ मुझको मरने दो, हर मंत्र है माता का हर उसको मैं राम हूँ जटायु प्रभु राम एक राजर दे दक्षिण में हाय राम हले चला था उसको हाय राम लड़ा हूँ उससे हाय राम छुड़ा सुनिए। हाँ कहिए बच्चराज। राम अपना बोला चाहता है हाय राम अब मुझको मरने दो हाय राम सामने आ जाओ भाई यह समाचार कहना ना पिताजी से जाकर मैं राघव हूँ दुष्ट चोर सहित कहेगा चोर अच्छा जाओ हे भक्तराज शायद परम धाम को तुम जाते जाते इतना सुन लो करिए त्रिड़ी कर चुके राम जाओ जटायु पर याद रहे इतने ऊंचे पद पर हो तुम अब तक पर है ये संभाल अब तक है राजा चलो भाई लक्ष्मण अब इनका दास संस्कार कर दिया जाए भैया ले चलो।